बिना ओवन और तंदूर के बनने वाले पिज्जा कप्स बहुत ही यमी होते हैं। बच्चों को इतने पसंद आते हैं कि अगर आप उनके लिए 10 भी बनाएंगे तो भी आपको कम पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टोव टॉप पे बनने वाले पिज्ज़ा कप की एक यूनिक रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, ऑसम, बहुत फटाफट बनती है। बच्चों की पार्टीज में बनाएं, उनको मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन को गर्म किया है और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, बहुत कम, 1 टीस्पून लगभग। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे महीन कटा प्याज। इसको हल्का सा सौते करेंगे और प्याज को बस हमें हल्का सा गुलाबी करना है। जब आप देखें कि प्याज बिल्कुल हल्के से गुलाबी हो गए हैं और इस शक्ल के दिखने लगे हैं, हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्न्स। तो ये फ्रोज़न कॉर्न्स थे जिनको मैंने फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर पहले रख दिया था। इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, महीन कटी गाजर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक चीज़ में भी रहेगा और केचप में भी, तो हम नमक कम डालेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सभी को बहुत अच्छे से भून लेंगे हम और हमें इनको अब ड्राई करना है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आप इसमें ऑलिव्स डाल सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। हमें क्रिस्पी रखेंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडा हो जाने देंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसमें हम डाल देंगे ये सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग है ये। इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये थोड़े से चिली फ्लेक्स और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चीज़। तो मैं ये पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ये देखें ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। बस हम इसमें लास्ट चीज़ मिलाएंगे ये टोमेटो केचप। तो 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप डालना है हमें। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है, आइए हम इनको पिज़्ज़ा कप्स में स्टफ करेंगे। पिज़्ज़ा कप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड लिए हैं और मैंने इनके साइज़ अलग कर दिए हैं और हम एक पीस ब्रेड का लेंगे और इसको हम अच्छे से रोल कर देंगे रोलिंग पिन से। तो अगर आपका ब्रेड थोड़ा ड्राई है और आप रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा उसको गीले कपड़े में 1 मिनट को आप रख दें, फिर आसानी से रोल हो जाएगा। देखिए हमने कितने अच्छे से इसको फ्लैट कर लिया है। और अब हम इस तरह का एक बाउल, कप, कटोरी कुछ भी ले लें आप और इसका एक सर्कल बना लें। और ये जो बचा हुआ ब्रेड है आप इसको फेंके नहीं, आप इसको ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह का सर्कल चाहिए। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से सर्कल्स ब्रेड के बना के तैयार कर लिए हैं। और अब हम ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इनको कोट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, चाकू लेंगे और सेंटर से इस तरह से इनमें कट लगा देंगे जिससे कि इनको अप्पे पैन में लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ देखें मैंने एक अप्पे पैन लिया है, ये मेरा नॉनस्टिक का अप्पे पैन है। अगर आप नॉनस्टिक वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑयल से आप अच्छे से ग्रीस कर लें और कुछ इस तरह से आप इसमें ये बाउल्स को जो है वो फंसा दें। ये देखिए हमने इनको अच्छे से अप्पे पैन में फंसा दिया है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो तेल वाली साइड है उसको नीचे रहना चाहिए जिससे कि ये बनते समय चिपकेंगे नहीं और क्रिस्प हो जाएंगे। अब हम स्टफिंग लेंगे और इसको अच्छे से दबा के पिज़्ज़ा कप्स के अंदर भर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, चीज़ के लिए थोड़ी जगह छोड़िएगा नहीं तो चीज़ के लिए जगह नहीं बचेगी। और ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे ये घिसा हुआ चीज़, कम ज़्यादा सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चों को तो वैसे ज़्यादा चीज़ ही पसंद आता है। इन पे हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स जिसे देखने में बहुत खूबसूरत दिखेंगे। और आइए अब हम इनको पकाएंगे। इनको कुक करने के लिए मैंने अप्पे पैन को गैस पे रख दिया है और इसकी हीट जो है वो मीडियम रखी है, या फिर आप मीडियम लो पे भी लगा सकते हैं। इसको हम ढक देंगे और हमें इसको पकाना है जब तक ये नीचे से क्रिस्प हो जाए और इसका जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ढक्कन है वो अप्पे पैन पर अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अगर ढक्कन से अच्छे से कवर नहीं होगा तो प्रॉपर हीट नहीं लगेगी और जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट नहीं होगा। पिज़्ज़ा कप को पकते हुए अब ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आइए इनको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये नीचे से भी बहुत बढ़िया से क्रिस्प हो चुके होंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्प हो चुके हैं नीचे से। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अब बच्चों की पार्टीज़ में बनाया, उनको बहुत पसंद आती है। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।